साथियों नमस्कार। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह अत्यंत प्रेरणाप्रद एवं शिक्षाप्रद है। हुआ यूँ कि एक बार एक ट्रक से बहुत सारे मूल्यवान पत्थर लाए जा रहे थे। उन पत्थरों का प्रयोग जोधपुर शहर के बीचों बीच बन रहे मंदिर में होना था। अब जो पत्थरों के बीच वार्तालाप हो रही थी उसे मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। यह अत्यंत शिक्षाप्रदायी एवं प्रासंगिक है। एक पत्थर दूसरे पत्थर से बोलता है कि भाई, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, मुझे भी पहाड़ से तोड़कर लाया गया और तुझे भी। मैंने भी हजारों हथौड़ों का प्रहार सहा जिससे कि मैं मंदिर की सजावट के लिए सुंदर आकार ले सकूं। तूने भी अनगिनत हथौड़ों का प्रहार सहा, पर अब मेरी किस्मत तो देखो, तुम मंदिर की शान बनने जा रहे हो क्योंकि तुम्हें भगवान शंकर का आकार दिया गया है। तुझ पर लोग फूल चढ़ाएंगे, मिठाई का भोग लगेगा, आरती होगी, मधुर धुन बजेंगे, तुझ पर दूध चढ़ाया जाएगा और मेरी किस्मत, मैं मंदिर की सीढ़ी बनूंगा, लोग मुझ पर पैर रखेंगे, रोज हजारों पांवों से मैं कुचला जाऊंगा। बड़ी देर से उसकी बात सुन रहा पत्थर का टुकड़ा, जो कि भगवान शंकर की आकृति में था, वो बोला, दोस्त तुम्हारी सारी बातें सही हैं, पर एक अंतर है तुम्हारे में और मुझ में। ये बात सही है कि मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, मुझे भी पहाड़ से तोड़ कर लाया गया और तुम्हें भी। मैं भी हजारों हथौड़ों का प्रहार सहा ताकि बनाने वाले के मुताबिक आकार ले सकूं, और तुम्हें भी हजारों हथौड़ों का प्रहार सहना पड़ा ताकि तुम भी बनाने वाले के मुताबिक शेप ले सको, आकार ले सको। पर दोस्त, यहाँ एक फ़र्क था हमारे और तुम्हारे रिएक्शन में। मुझे हजारों हथौड़ों से पीटा गया, छेनी चीजल से काटा गया, तराशा गया, पर दोस्त हथौड़ों के हजारों प्रहार से भी मैं टूटा नहीं। कितने ही हथौड़ों के चोट पड़े मुझे, पर मैं बिखरा नहीं, मैं टूटा नहीं, बल्कि सहता गया संयम के साथ। और इसका परिणाम ये हुआ कि मैं शंकर भगवान के आकार में ढल गया और तुम हथौड़ों की चोट से टूट गए दोस्त। इसलिए तुम्हारे टूटे टुकड़ों को मंदिर की सीढ़ी में जगह मिली, तुम मंदिर के बाहर की सीढ़ी बन गए और मैं मंदिर की शान भगवान बन गया। जो बुरे समय में टूट जाता है उसका अच्छा समय नहीं आता दोस्त। जो गलत है, यानी कि जो तपता है, जो गलता है, वह सोना हो जाता है। जो पत्थर हथौड़ों की चोट सह लेता है वह शंकर बन जाता है और टूटने वाला कंकड़ बन जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। ज़िंदगी में जो जितना सहता है, जो जितना संयम रखता है, उसकी उतनी ही प्रगति होती है, उसकी शान उतनी ही बढ़ती है। ज़िंदगी सोने के समान है, आप जितना तपेंगे, जितना गलेंगे, आप उतना निखरेंगे, आपकी उतनी चमक होगी, आप उतने कैरेट, हाई कैरेट के सोना में कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए, मोटिवेशनल बातों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।